हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देखने वाले आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो है अनबॉक्सिंग पे। तो यस, ये किट जो दिख रहा है आपको या जो एनवलप आपको दिख रहा है जिस पे लिखा है रुद्राक्ष, दीक्षा और आदि योगी, ये एनवलप हमें ईसा फाउंडेशन की तरफ से रिसीव हुआ है। तो ये पार्सल हमें क्यों रिसीव हुआ है, इस पार्सल के अंदर क्या है, तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो देखते हैं इस पार्सल के अंदर हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। तो ये है रुद्राक्ष, जो बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया है ब्लैक कपड़े में, अच्छे से पैक हो गया ताकि डैमेज ना हो। और ये है विभूति, जिसे भस्म भी बोलते हैं। और ये है आदि योगी, शिव की तस्वीर जो बहुत ही सुंदर है। इसके साथ में ये एक पेपर भी इसी एनवलप में आया है। इस पेपर के अंदर, इस पार्सल के अंदर जो भी चीज़ें हमको रिसीव हुई है वो सब डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम रुद्राक्ष की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से पैक करके आया है ताकि रुद्राक्ष डैमेज ना हो। तो ये रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है, जो महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन हमने इसके लिए रजिस्टर किया था, महाशिवरात्रि 2021 में ईसा फाउंडेशन की तरफ से उनके आश्रम में मोर देन 3 मिलियन रुद्राक्ष को आदि योगी के चरणों में, शिव के चरणों में रखा गया था। और उसे स्वयं सद्गुरुदेव जग्गी वासुदेव जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। इसीलिए रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अमूल्य है हमारे लिए। और सारा डिटेल जो है, जो इन एनवलप में हमें जो भी रिसीव हुआ है उसका डिटेल इस पेपर में दे रखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रुद्राक्ष की इम्पोर्टेंस वही समझ सकता है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और सारी डिटेल्स पेपर में दी हुई है। तो इसमें 6 लैंग्वेज में सारी डिटेल दी हुई है। आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आए उसमें आप पढ़ सकते हैं। और ये जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी आप जाकर इसके बारे में और जान सकते हैं। इसमें है विभूति, जिसे भस्म भी बोलते हैं। इसे अग्नि चक्र पे लगाना चाहिए। और जो ये आपको ब्लैक धागा दिख रहा है जिसे अभिसूत्र बोलते हैं, इसे कलाई में बांधना चाहिए। और ये रुद्राक्ष जो है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, तो इसे गले में पहनने से शिव की कृपा बनी रहती है। और फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक और मानसिक सेहत और ध्यान में हेल्प मिलती है। तो ये पार्सल नहीं, ये हमारे लिए अमूल्य तोहफा है ईसा फाउंडेशन और सदगुरु देव की तरफ से। तो थैंक यू सो मच कि घर बैठे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये अमूल्य तोहफा दिए। तो इसके लिए सदगुरु देव और ईसा फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।